स्वच्छ पेयजल योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी गांव में पानी मुहैया कराने के लिए यह योजना चलाई गई है, लेकिन इस योजना से अधिक गांव वंचित है। गया जिला के मोहरा प्रखंड के एमाचौकी गांव में एक गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उनका नाम मीना देवी है। वह अपने घर से आधा घंटे की दूरी सफर करने के बाद पानी प्राप्त करती है। देखो बसेड़ है, बसेड़ के पत्ता गिर जा है, भुआ गिर जा है, वो पत्ता सड़ के कीड़ा कुया में हो जा है। वह कीड़ा हमने कपड़ा से छान के और पानी पिए है, उसी से रोग बलाय सब फैलता है। रुपया डॉक्टर के भाई भरते हैं, भर ही है, अब का करे गरीब। परेशानी तो यहाँ है कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कुआं भी ऐसे भसले है, गांव में कोई व्यवस्था नहीं। आके इंक्वायरी किया जाए सरकार के, पानी लाते हैं हम लोग कुआं से लाते हैं, कहीं तो एक काम में पानी पड़ता है, रात में बहुत तकलीफ होता है लाने में, बत्ती उत्ती बारते हैं तब जाते हैं। कुआं तो है सर जमीन में, अब जैसे कि अलग बगल सब गनौरा कीचड़ है, पानी पीने के लिए तो गंदगी भी है, तो हम लोग क्या सोचे पीते हैं। कैसा है कि बच्चा भी गिर सकते हैं, हो सकता है जानवर भी गिर सकते हैं, इस तरह से। मैं चाहता हूं कि एमाचौकी गांव में मीना देवी की तरह और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। विभाग का मोबाइल नंबर है 8544 41 97 68 पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं। मैं अमित कुमार गया जिला बिहार से, इंडियन हर्ट के लिए।